ये तीन भारतीय बल्लेबाज टी20 सीरीज में उड़ा देंगे श्रीलंका का धुआं। बॉलर्स पर नहीं खाते रहे, श्रीलंका के बखिया उधेड़ देंगे टीम इंडिया के धुरंधर। पानी मांगते नजर आएंगे लंकाई गेंदबाज। टीम इंडिया की तिकड़ी के आगे नहीं चलेगी लंकाई कप्तान की बनाई कोई भी चाल। भारत टीम श्रीलंका दौरे के लिए उड़ान भर चुकी है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया तीन मैचों की टी20 सीरीज और इतने ही वनडे मैच खेलेगी। टी20 सीरीज की कमान सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में तीन भारतीय बल्लेबाज तहलका मचाने वाले हैं। ये तीनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर हैं। अगर ये कहें कि तीनों ही ड्रेसिंग रूम से सेट होकर क्रीज पर आते हैं तो गलत नहीं होगा। ऐसे में श्रीलंकाई गेंदबाजों को इनसे सावधान रहना होगा। तो चलिए जानते हैं कौन है तीन ताकत बल्लेबाज जो टी20 में श्रीलंकाई गेंदबाजों का भूत बना देंगे। नंबर एक, सूर्यकुमार यादव। श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालने वाले दुनिया के टॉप टी20 रैंकिंग बल्लेबाजों में शुमार सूर्यकुमार यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सूर्य ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक बार नहीं बल्कि कई बार ये बताया है कि वो बड़े से बड़े गेंदबाज पर रहम नहीं खाते। खासकर विकेट के पीछे उनका ट्रेडमार्क शॉट है जिससे उन्होंने दुनिया भर में अलग ही नाम कमाया है। सूर्यकुमार यादव को क्रीज पर आकर सेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले ही गेंद से छक्के उड़ाने का दम रखते हैं और ऐसा उन्होंने कई बार भी किया है। ऐसे में उनका बल्ला श्रीलंका सीरीज में चला तो गेंदबाजों की खैर नहीं होगी। नंबर दो, यशस्वी जायसवाल। 22 साल के इस युवा बल्लेबाज ने दुनिया भर में अपनी घातक बल्लेबाजी से कोहराम मचाया है। यशस्वी भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट में डेब्यू कर चुके हैं। श्रीलंका दौरे पर टी20 सीरीज में वो टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते नजर आएंगे। यशस्वी विस्फोटक बल्लेबाजी में माहिर है, वो स्पिनर हो या पेसर वो किसी को नहीं छोड़ते और बैक टू बैक छक्के और चौके लगाते हैं। यशस्वी श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और उनके नाम इस फॉर्मेट में एक शतक भी दर्ज है। और नंबर तीन, ऋषभ पंत। टी20 वर्ल्ड कप जिताने में टीम इंडिया के लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में मैच विनर साबित होंगे। ऋषभ पंत ने टी20 वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की थी और शानदार प्रदर्शन किया था। चूंकि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि ऋषभ पंत को आगामी सीरीज में किस नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा। रही बात उनके टैलेंट की तो उनकी आक्रामकता सब जानते हैं। पंत जब अपनी लय में रहते हैं तो सामने कोई भी गेंदबाज हो सबको एक ही तराजू में वो तोलते हैं। फैंस श्रीलंका में भी उनका ऐसा ही अवतार देखना चाहेंगे। भारतीय टीम का अगला असाइनमेंट श्रीलंका का दौरा है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को तीन मैचों की टी20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। 27 जुलाई से शुरू होने वाले इस दौरे के लिए भारतीय टीम श्रीलंका के लिए रवाना हो चुकी है। हेड कोच गौतम गंभीर के साथ टीम इंडिया के कई खिलाड़ी दिखाई दिए। ये गंभीर का टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में पहला असाइनमेंट है। आपको बता रहे कि श्रीलंका दौरे से गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में दिखाई देंगे। इससे पहले राहुल द्रविड़ टीम के हेड कोच थे जिनका 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद कार्यकाल खत्म हो गया था। तो ये है वो टीम इंडिया की तिकड़ी जो टी20 सीरीज में श्रीलंका का धुआं उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।